आज हम लैंडस्केप पेंटिंग बना रहे हैं। पेज को ऐसे ऊपर की ओर फोल्ड करोगे तो बीच में एक लाइन बनेगी, तो आप उसको स्ट्रेट स्लिपिंग लाइन ड्रॉ कर दो, फिर नीचे की ओर से दोनों पेज को जॉइंट करोगे तो आपको मिडल का मेजरमेंट नहीं लेना पड़ेगा और डायरेक्ट आप स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ कर दो। फिर उसी लाइन को ऐसे क्रॉस में ट्रायंगल बना लो, ड्रॉ कर दो, और फिर बीच में से जो हमारे चार ट्रायंगल बने हैं उसको हम सिक्स ट्रायंगल में ड्रॉ कर देंगे, और मिडल वाली जो लाइन है वो जो हमने सबसे पहले स्ट्रेट और स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ की थी उसको हम इरेज कर देंगे। तो हमारे फोर डायमंड शेप रेडी हो जाएगा। ये काम डायरेक्ट कलर से ही करना है। ऑरेंज कलर लिया है, स्लिपिंग में करना है। एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि हम जब भी कलर करें तब एक ही डायरेक्शन में करेंगे। लाइट लाइट लेना है, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है। रेड कलर, ऑरेंज के ऊपर हम रेड कलर करेंगे, वो भी लाइट लाइट ही करेंगे, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है। फिर येलो कलर लेना है। येलो कलर से सबसे पहले हम एक छोटा सा सर्कल ड्रॉ करेंगे, वो हमारा सन होगा। उसके बाद हम लाइट लाइट कलर करेंगे। ऑरेंज कलर लाइट लाइट करेंगे, डार्क नहीं करना है, हमें नीचे येलो दिखे उस हिसाब से लाइट कलर करना है। ब्लैक कलर से लैंड ड्रॉ करनी है, ग्रास। स्केल का यूज करके हम इलेक्ट्रिसिटी के पोल बनाएंगे, फर्स्ट वाला बड़ा होगा। हम एक स्केल का मेजरमेंट लेंगे, जिस तरीके से मैं ले रही हूँ जो हमने ड्रॉ किया उसका, दूसरी साइड उसी नाप का करेंगे पर उससे छोटा करेंगे। आप स्केल का यूज़ कर रहे हो तो उठाने में ध्यान रखना, आप देख ही सकते हो मैं किस तरीके से उठा रही हूँ, बिकॉज ब्लैक क्रेयॉन है वो फिर दूसरे में लग जाएगा और हमारा पूरा काम ख़राब कर देगा। ऐसे एक बड़ा, फिर दूसरा छोटा, तीसरा उससे भी छोटा, और फोर्थ सबसे छोटा आएगा।
अगर आपके फोर्थ नहीं बन रहे, सिर्फ चार बन रहे तो भी चलेगा, पर ये ध्यान में रखना है कि हमने जो सन ड्रॉ किया है वो पापू के बीच में आना चाहिए। छोटी सी स्लिपिंग लाइन करनी है और ऊपर 3 स्टैंडिंग लाइन। हम जो ग्रास में ब्लैक कलर कर रहे हैं वो याद रखना है कि हमें लास्ट में करना है, बिकॉज हमारा हाथ उसमें टच हो गया तो पूरा खराब हो जाएगा। छोटी छोटी स्टैंडिंग लाइन से ग्रास बना देनी है। ग्रीन कलर पेरोट ग्रीन। आपके पास पेरोट ग्रीन अवेलेबल नहीं है तो आप उसकी जगह पे येलो यूज कर सकते हो। वापस से मैंने डार्क ग्रीन कलर लिया है उसके ऊपर कोटिंग करने के लिए, पर वो लाइट लाइट ही करना है, डार्क नहीं करना है। वापस से मैंने लाइट ग्रीन लिया है। आपके पास लाइट ग्रीन नहीं है तो येलो यूज कर सकते हो। ब्लैक कलर वापस से लैंड ही ड्रॉ कर रहे, ग्रास कर रहे। अगर आप डायरेक्ट ट्री नहीं बना पा रहे हो तो आप पेंसिल से ड्रॉ कर सकते हो, पर पेंसिल से ड्रॉ करते समय ये ध्यान रखना है कि आपको बहुत वजन देके नहीं करना है, बिकॉज हमें उसके ऊपर ब्लैक कलर करना है तो वो लाइन बाद में दिखेगी। अगर हो सके तो डायरेक्ट क्रेयॉन से कीजिए। इसके ऊपर छोटी छोटी लाइन करके हम उसके लिप ड्रॉ करेंगे। बहुत ही इजी है। व्हाइट कलर लेके हम मून ड्रॉ करेंगे।
ब्लैक कलर लाइन में करेंगे, जैसे हमने फर्स्ट वाले में किया था उसी हिसाब से। थोड़ी सी लंबी क्रॉस कर ली, हमारा मून सही तरीके से दिखे इसलिए हम इसको ग्रीन कलर से बॉर्डर करेंगे और थोड़ा सा इसके आसपास के एरिया को थोड़ा सा ज़्यादा डार्क ग्रीन कर देंगे कि हमारा मून अच्छी तरीके से दिखे। पिंक कलर लिया है, डार्क पिंक है। अगर आपके पास डार्क पिंक अवेलेबल नहीं है तो आप लाइट पिंक को दो तीन बार करोगे तो डार्क हो जाएगा। हमारा मून बना दिया है, लाइट पिंक। अगर आपके पास लाइट पिंक कलर नहीं है तो जो आपके पास पिंक कलर जो ऊपर किया है वही आप लाइट टच करोगे तो भी चलेगा। ऊपर से लेके नीचे तक मर्ज करना है। व्हाइट कलर हमने जो मून ड्रॉ किया है उसमें व्हाइट कलर करेंगे, ब्लैक कलर जैसे हम दोनों में किया उसी हिसाब से लेंथ का कलर हम बाद में करेंगे। बड़ी बड़ी क्रॉस ड्रॉ करनी है, स्टैंडिंग लाइन करके छोटी छोटी स्लेटिंग लाइन करनी है और फिर लाइन में ब्लैक। बाद में स्लेटिंग लाइन करते करते क्रॉस ड्रॉ कर देंगे। जो भी हमने ग्रास के ऊपर स्लेटिंग लाइन ड्रॉ की थी उसमें डॉट कर देना है ऊपर।
वाइट कलर। वाइट कलर से पहले हमको मून ड्रॉ करना है पूरा इनसाइड कलर करके। उसके बाद ब्लू, डार्क ब्लू कलर लिया है मैंने। अगर आपके पास डार्क ब्लू नहीं है तो एक ये बार में आप लाइट कीजिए, उसके बाद दोबारा उसके ऊपर करेंगे तो डार्क ब्लू हो जाएगा। स्काई ब्लू, अगर आपके पास स्काई ब्लू कलर नहीं है तो आपने जो ब्लू किया है वो लाइट लाइट कर दीजिए इनसाइड, तो भी ये हो जाएगा अच्छे से। अब जो हमने मून किया है उसको शेप देना है। वापस से मैंने डार्क ब्लू लिया है उसको मर्जिंग करने के लिए, जो अलग अलग दिख रहा है दोनों कलर उसको एक दूसरे में मर्जिंग करने के लिए। ब्लैक कलर जिस तरीके से सभी में हमने किया था लाइन ड्रॉ की थी, तो उसमें हम सबसे पहले हम ट्री ड्रॉ करेंगे। ये ध्यान रखना है कि ट्री की एक ब्रांचेस हमारे मून के बीच में आनी चाहिए, बिकॉज हम उसमें दो छोटे छोटे बर्ड्स ड्रॉ करने वाले हैं, तो एक बीच में जाए वो आप ध्यान रखना। छोटा सा सर्कल ड्रॉ करना है ब्लैक कलर का, और फिर नीचे की ओर स्टैंडिंग लाइन करनी है। उसी तरीके से दूसरा करना है, जो लाइन नीचे की ओर आए ब्रांचेस के नीचे की ओर, इस तरीके से स्टैंडिंग लाइन करनी है, तो हमारे दो बर्ड्स हो जाएंगे। और बिग करनी है, ट्राइंगल शेप में बिग कर देना, या फिर ट्राइंगल शेप नहीं आ रहा है तो थोड़ी सी स्लेटिंग लाइन दो कर देना, तो वो बिग बन जाएगी। उसके बाद हमको क्रेयॉन से ऐसे बॉर्डर करनी है हमारे पूरे ड्राइंग को, लाइट लाइट ब्लैक कलर से लाइट ही करना है, डार्क मत करना, फिर वरना हमारा ड्राइंग नहीं दिखेगा और वो आपकी बॉर्डर ही दिखेगी। हमारा ड्राइंग ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, सिर्फ बॉर्डर ही बाकी है।